नमस्कार, मैं नीता शर्मा। आज हम लेकर के आए हैं रसभरी बालूशाही। बालूशाही तो हम दो तरह से बनाते हैं, पाग वाली भी बनाते हैं और रस भर के भी बनाते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रसभरी बालूशाही। चलिए तो फिर आपको बताते हैं इसे हम किस तरह बनाएंगे। इसे बनाने के लिए एक कटोरी यहाँ हमने मैदा ली है और डोंगे में से डाल दिया है। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने से बालूशाही हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। यहाँ हम थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे और हाथों से इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरह से मिला करके हमें चेक करना है। बालूशाही में अच्छे से मौन लग चुका है। अब डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी और इसका डो बना के हम तैयार करेंगे। इसी तरह हम पानी डालते जाएंगे और अच्छे से आटे को गूंथ लेंगे। आटा अच्छे से गूंथ चुका है, थोड़ा सा उसमें ऑयल लगा करके हम 10 मिनट के लिए इसे रख देते हैं। 10 मिनट के बाद अब हम आटे को बनाएंगे लोइयां। लोइयां बनाने के लिए आटे को पहले हम और सॉफ्ट करेंगे। अब एक चाकू से हम बराबर मात्रा में इसकी लोइयां काट करके तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमें काट लेना है। एक लोई को लेते हैं, हथेली पर रखते हुए थोड़ा से हम दबा देंगे और हाथों से इस तरह हम बना लेंगे। इसी तरह से सारी बालूशाही बना के हम तैयार करेंगे। अब करते हैं हम डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए पहले से हमने चूल्हे पर कढ़ाई को रख दिया था। एक एक करके बालूशाही हम डाल देंगे और गैस को करेंगे हम मीडियम। हमें गैस को मीडियम ही रखना है। मीडियम आँच पर बालूशाही हमारी बहुत अच्छे से सिकेंगी। थोड़ा सा हम बालूशाही को पलटते भी जाएंगे और चूल्हे को हम मीडियम रखेंगे। तब तक हमारी बालूशाही तैयार हो रही है सिक्के। यहाँ हम बना लेते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए एक कटोरी हमें चीनी लेंगे और साथ ही डालेंगे उसमें आधी कटोरी पानी। एक चम्मच से हम चलाते रहेंगे। यहाँ हमारी चाशनी भी बन रही है। थोड़ा सा हम बालूशाहियों को भी चेक कर लेते हैं। एक कलची से हम बालूशाही पलटते जाएंगे और मीडियम आंच पर इसे अच्छे से हम सेक लेंगे। चाशनी भी बनकर के तैयार हो चुकी है। अब इस चूल्हे को कर देंगे हम बंद। बंद करने के बाद हम बालूशाहियों को भी चेक करते हैं। बालूशाही भी अच्छे से सिक चुकी है। एक प्लेट में से हम निकाल लेते हैं और एक एक करके हम चाशनी में बालूशाही को डाल देंगे। डाल करके हम 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से चाशनी भर जाए। चाशनी में डालने के बाद बालूशाही और भी सॉफ्ट हो जाती है और फूल भी जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं, बालूशाही को हम चेक करते हैं। बालूशाही अच्छे से बन चुकी है। अब एक प्लेट में हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से प्लेट में हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ हमने पिस्ता भी काट के रखा है। बालूशाही पे थोड़ा उसे भी डाल देंगे। बालूशाही बन करके तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।